हेलो स्टूडेंट समस्त की स्वागत मु आपणकर चिन्मय सर। आज आपण जो भिडटी आनी ओडिशार सरकारी आपड़ जब एग्जाम देते एटा 2017 प्रश्न आपण मानक कहीं आनी ना एथिरे आपण स्टैटिस्टिक्स जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी ये प्रश्न पाइपर से आनी मुझे रखुची मूलर एटा कौन आपणकर रिसेंट एग्जाम नुहे एटा 2017 एग्जाम आप देखिपर बीएसएसओ 2017 रे किंतु एटा कौन पाई आनी मुझे कहबार कारण ये प्रश्नटी आपंप आनी स्टैटिस्टिक्स जीके पाइपर कारण मन रखि मुझे सबुबले आपको कही जीके गोटे जिनस कौन परीक्षा नुहे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन हो सब डिविजन स्टाफ सिलेक्शन हो बा एएसओ जीके गोटे जिनस कौटी भी जीके आसीपे किंतु यही प्रश्न रे टिके टॉप जीके रही सेमती लेवल आपड़ जब जो एग्जाम दौथे से लेवल प्रश्न आसो आप भयभीत हबार ना किंतु एथिरे गोटे आपन को आईडिया मिल जिवो जे हाँ मुझे लेवल निजक प्रस्तुत करी हाँ ना नहीं तेना आपण माने कही कि सर आपन को आम पूर्व वर्षर क्वेश्चन दिंतु जो मैंने कथा कही ठीक चिंताधारा आपर एमती ही पढ़ंतु। आउ गोटे कथा कहबी बारंबार कहबी जेते बड़े पाठ पढ़ुचंती अमीन पाई पढ़ंतुनी कि आरआई कहीं कि आपणकर एआरआई पाई एमती पढ़ंतुनी जीके जीके पढ़ुचंती एमती जीके पढ़ंतु सबू एग्जाम को जमी ओभरअली कम्प्लीट करूथबो जरंतु रेलवे रे हो आपणकर स्टाफ सिलेक्शन हो आपणकर सेंट्रल रे हो ओके ओडिशा गवर्नमेंट रे सबू हो सही भलिया पढ़िले आपण अति शीघ्र पाइबे। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे 2 मास एग्जाम थिबो पढ़िबी तापर सरीगला पुणी पोस्ट बाहर पढ़ी सेमती पढ़ले हम ना एटा मु मोर व्यक्तिगत भाव में कहूँ मन देख देखु आज प्रश्न कौन कौन सब रही से किटा जदि आपणकर क्वेश्चन थाए मत ये जनइबे किटा एपट सेपट रही पारे कहीं 2017 पढ़ी करेन्ट एफेयर किसी आंसर आपको एपट सेपट लगिपे। चलते आलोचना करवा निश्चित एटा आपको कामर लगे। प्रथम क्वेश्चन आप देखु हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस वोकालिस्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक ट्रेडिशन ताने ये आप गोटे कनसेप्ट जानिले जे मत जानवर अच्छी हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन किसी जनक ना से भाया हिंदुस्तान जानवे आपणकर आमर जिते प्रकार ट्रेडिशनल संगीत बड़ बड़ संगीतज्ञ से सब जानिले आपको कौन हम इजी लगे माने आपको आसान हम सहज हम तेणु सठिक आंसर हम ये जो अच्छी आपने देखिपारे ऑप्शन बी पंडित भीमसेन जोशी ये हेले आपणकर कौन फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन वोकालिस्ट। आउ भी किसी मन रखिथिबे ना सब फेमस जानी थिबे किए किए गिरिजा देवी कुमार गंधर्व ये सब बुझीपारे मु जीके ये आनी खाली प्रश्न उत्तर कहवाई नुहे आलोचना करेबी आपण निश्चित नुआ नुआ जिनस भी किसी जानवे। क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बुद्धि स्तूप Which of the following pairs of Buddhist stupa and their location is correctly matched? एमानक भितरु केउथिरे बुद्धिस्ट स्तूप माने बुद्ध मानकर जूम करेक आपण मानु देखैबी क्लियर होंतु हां कोटा करेक्टली मैच करूची एटी आपण केतरा प्रश्नर आंसर पाइबे देखंतु जीके रे चारिटा जाक मु कोइबी खाली आंसर ने सटीक आंसर तो मु आपण मानकु कोइबी जे करेक्टली मैच कोटा होउची आपण मानकर ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी किंतु आमे पूरा डिटेल्स जानिबा एमानक भितरु कोन कोन एक्चुअली जिंस रहउची। फर्स्ट लेखाइची अनंत पिंडिका कौ जगह लिखाई शरणाथ ये बुद्धिमान बुद्धिजीवी आपणकर जानी ये जो शरणाथ लिखाई ये एक्चुअली भूल जगह यहाँ हवा कथा सरभास्ती माने ये जो अच्छी यहाँ एक्चुअली यही कथा सरभास्ती उत्तर प्रदेश मन रहा ये बुद्धिस्ट प्लेस तेणु ये 1 नंबर आंसर हवा कथा यहाँ सरभास्ती। 2 नंबर जो आपणकर लिखाई अनिमेष लोचो ये है आपणकर बोधगया यहाँ ठीक अच्छे यहाँ आपको ठीक अच्छे बोधगया क्यों जगार ना स्टेट रे जाऊँगी बिहार मन रहा। नेक्स्ट 3 नंबर कौन अच्छी धर्मेकटा लिखाई कुशीनगर यहाँ भूल होती धर्मेकटा हवा कथा सारनाथ यहाँ आसवा कथा धर्मकटा हवा कथा सारनाथ जगार अच्छी उत्तर प्रदेश रे ओके। तापर आसला आपणकर लास्ट रे अच्छी रामभरटा आपको लिखाई सर्वास्ती मुझे कही भूल अच्छी रामभरटा एक्चुअली हवा कथा कुशीनगर ओके रामभरटा हवा कथा एक्चुअली कुशीनगर आउ एटा भी उत्तर प्रदेश रे चारिटा जिनस जानिले आउ थरे कहि दउची रामभार कुशीनगर उत्तर प्रदेश धर्मेख सारनाथ उत्तर प्रदेश आउ आपणकर अनंत पिंडिका सर्वास्ती उत्तर प्रदेश आउ सठिक आंसर जोटा एटा आपणकर अनिमेष लोचो बोधगया बिहार क्लियर। चारिटा प्रश्नर आंसर जानले ना नहीं वेरी गुड। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश्ड बस ओडियार गोटे जानिथिबे। मु आपनकु ओडिशार जिके देइछि, जो माने ओडिशार जिके देखिबाकु चाहुछन्ती पर्टिकुलरली एई जिके प्लेलिस्ट रे देखंतु 11 पार्ट पर्यंत आमे आसी सारलेनी। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ओडिशार जिके सठिक आंसर हबो बोधदायिनी आपनकर प्रथम ओडिया मैगजीन। ता संगे आउ कि एक्स्ट्रा कहबी 1861 मसीह एटा हेतिला, केउ शहर रु पब्लिश करा हेतिला? फ्रॉम बालेश्वर। तेणु एटी आपन तीनटा क्वेश्चन पाइले, ये गोटे क्वेश्चन आ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रु आपन एटा गोटे क्वेश्चन पाइले, मन रहला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, आलोचना कले जिके आपनकर डेभलप होबो। जदि सांग मानक संगे मेस रे रोई कि पढुचंती बा सांग मानक संगे अछंती, बेले बेले डिस्कस करंतु जिके, कारण जिके को जेते डिस्कशन करिवे एटा बढ़िबो। आ मु सबु बेले प्रायोरिटी दउछि आपण मानकु, जिके जेते जल्दी आपण क्लियर हेबे सेते जल्दी चाकरी पाइबे निश्चित। हु इज द ऑथर ऑफ द जिके आ इंग्लिश मन रखि दांत। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल, ये आपनकर जो फेमस नोवेल तार ना कोन दिया हैछि? गणदेवता। गणदेवता रो जो विख्यात प्रसिद्ध नोवेल माने उड़िया रहला उपन्यास कर लेखक किए? ओके, यार सठिक आंसर आपण मानकु तो कोइबी ऑप्शन आपण देखंतु, ऑप्शन आपनकर एटी अछि। सठिक आंसर आपण पाई परिबे ऑप्शन डी। कोन अछि? ऑप्शन डी रे लक्ष्य करंतु, ऑप्शन डी रे ताराशंकर बंधोपाध्याय। ताराशंकर बंधोपाध्याय सठिक आंसर आपण पाई परिबे ऑप्शन डी रे। किंतु एटी कथा आउ टिके कहि देबी, डिटेल्स टिके मन दे पॉइंट करि थांतु नोट्स रे। 1942 मसिया रे एटा आपनकर ए जो रिटिन हेतिला आपनकर गणदेवता, ये गोटे बेंगाली लैंग्वेज रो उपन्यास बंगाली। ओके, आउ ज्ञानपीठ अवार्ड पाइथिले, किए पाइथिले? ई जो ताराशंकर बंधोपाध्याय ज्ञानपीठ अवार्ड पाइथिले 1966 रे, 1966 रे, मन रहला। जदि एई जिंस टिके टिके कहला बेले मार्क करूतबे आपण मानकू भल लागिवो। मैच ईच ऑफ द कॉलम्स विथ देयर कॉलम्स। ए रे अछि ऑथर्स, बी रे अछि बुक। बढ़िया प्रश्न, ये भी आपण माने काम लाबियो। देखंतु ए रे किछि बुक रो नाम अछि, आउ बी रे आपणकर ऑथर को नाम अछि। हम मैच करिवा। कन्फेशन, कन्फेशन लो लेखक आपण जदि कहबी कन्फेशन किए लिखिथिले? ई जो लेखा हैनी जेजे राउजी। जेजे राउजी तार एक्चुअली फुल फॉर्म हैला ताको ना जीन जैक्यूज राउजी। ये थिले आपणकर ए रो 3। देखंतु मैच कली। ओके, तापरे गैदरिंग स्टॉर्म, एकु किए लिखिथिले? गैदरिंग स्टॉर्म, एकु लिखिथिले गैदरिंग स्टॉर्म रे। आपण ऑप्शन चेक करिवा एतरे एई तो विंस्टन चर्चिल। गैदरिंग स्टॉर्म आपणकर विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन कोडी अछि? एडी अछि बी ते, गैदरिंग स्टॉर्म विंस्टन चर्चिल। माउथर मार्क कर दोची भल भाबे। कन्फेशन को कले हमें जेजे राउजी, गैदरिंग स्टॉर्म को आपण मानकर कले 6 नंबर रे विंस्टन चर्चिल। मेन कॉम्फ, मेन कॉम्फ रो आपण जदी राइटर कहबे लेखक कवि, ऑप्शन सी सेकंड एडलफ हिटलर। मेन कॉम्फ एडलफ हिटलर। मदर, मदर लेखक आपण माने पाई परिबे मैक्सिम गोर्की, ये हेले तांकर अदर। वेल्थ ऑफ नेशन, एटा त आपण जानिथिबे वेल्थ ऑफ नेशन के? आडम स्मिथ। आडम स्मिथ, मन रहला। मैच करे देली, मन रखिले। तण सही हिसाब रे जदी सठिक आंसर आपण एडी खोजिबे, को आंसर आपण माने पाई परिबे? ऑप्शन बी रे पाई परिबे। कोदरे पाई परिबे? ऑप्शन बी। देखंतु भलो भाबे लक्ष्य करंतु, ऑप्शन बी रे केमिति आंसर टी पाइले भलो भाबे लक्ष्य करंतु। कोनोसी व्यस्त होबार नै, जिंस कांसेप्ट क्लियर होंतु, भलो भाबे बुझंतु। देखंतु ऑप्शन बी केमिति? ए आसिला 3 नंबर को, बी 6 नंबर, सी 2 नंबर, डी 5 नंबर, ई 1 नंबर। मन रहला। एटी देखिले केतुटा क्वेश्चन आपण माने पाइले? 5टा बहिरो 5टा ऑथर ना, बुझियला। एटा हला डिस्कशन लो बडो फायदा। मु आपण को फास्ट रु कहि छी, मु कोनोसी आपण को संगे कहूनी जे एटा पूर्व वर्ष रो आसीथिला ई परीक्षा रे ना, 2017 रे एटा बीएसएसओ रे आसीथिबा आपणकर जीके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। मु तादुर केवल स्टैटिस्टिक जीके करैबो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जोडा जीके रे जाउची करैबो। ओके, व्हिच स्टोन हैज बीन यूज्ड इन ए लार्ज स्केल फॉर एक्सटर्नल कार्विंग इन द कोणार्क टेंपल। बढिया प्रश्न रे। कोणार्क टेंपल लो एक्सटर्नल कार्विंग करिया पई केउ आपणकर स्टोन व्यवहार करा जाय? सठिक आंसर आपण माने पाई परिबे ऑप्शन सी खंडेलाइट। खंडेलाइट रो उड़िया प्राय बोधे पिला माने आपण माने खड़ी पत्थर बोधे, टिके कंफर्म करे देबे। क्वेश्चन नंबर 7 खड़ी पत्थर बोधे कुआ जाय। ओके, आपणकर सेंट थिरुवल्लुवर टॉलेस्ट स्टैच्यू इज लोकेटेड। ई जो स्टैच्यू नाटी कहली थिरुवल्लुवर टॉलेस्ट स्टैच्यू केउ जगह रे अवस्थित? ऑप्शन आपणकर अछि। सठिक आंसर हबो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी केउटा जाउ? तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट जीवा। Which of the following is a traditional folk dance of Maharashtra? एमानक भितरु महाराष्ट्र रे ट्रेडिशनल फोल्क डांस कोन? एटी आसिले मु संगे संगे कहबी उत्तर, तो पछरे कहबी, आगे कहले इंपोर्टेंट 6टा पॉपुलर फोल्क डांस जोटा कि महाराष्ट्र रे कोन कोन ता ना कहि देबी। प्रथम हैला लावणी, तापर आपणकर हला धनगिरी गज, तापर गोटे हला लेजिम कोली, आउडला गोंधाल, आउडला तमसा डांस। एतिक आपणकर हला 6टा पॉपुलर। तेणु एटी ऑप्शन देखिले मु 6टा ना भितर को नाटा आपन पाइबे, लावानी पाइले देखिले केते माने आपन को काम रे लागिवो। जदि एई लावानी ऑप्शन ले भी न थाई कि जदि एटी तमसा थांता ताले आपन मारि थांते, जदि गोंधाल थांता आपन मारि थांते, कोली थिले आपन मारि थांते। क्लियर मन रहा पॉपुलर फोक डांस कौटी महाराष्ट्र। तापर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फासाइजेशन ओपन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को लेकिन क्यों आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एम्फासाइज कराई? सटीक आंसर आपन पाई परिबे ऑप्शन सी आर्टिकल 17। ऑप्शन 3 ले अछि आर्टिकल 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम ए कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर थी। एटारे मु आपन को निश्चित गुडे वीडियो बनै के देबी। कॉन्स्टिट्यूशन ले क्यों क्यों कॉन्स्टिट्यूशन क्योंठू बर आसी चेष्टा करी निश्चित ये करने, कारण ये गोटे प्रश्न आप इंपोर्टाट रोचे है। मत कहले ए फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटाल राइट्स कौटी आसी? फंडामेंटाल राइट आसी आपणकर यूएसए। ओके आउ प्रेसिडेंट द नॉमिनल हेड यहाँ कौटू आसी? यहाँ आसी आपणकर यूके। यूके ओके यहाँ यूके रु आसी। आ प्रोविजन ऑफ स्टेट ये भी यूएसए रु आसी। आ सुप्रीम कोर्ट ये भी यूएसए आसी। बस तमाने अलग किए है कौन? तीन जन यूएस रु आसीला बेले बोरोड माने आमे ताको पकड़ आनीला बेले कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी प्रेसिडेंट द नॉमिनल हेड यूके रु आसी। तेणु आम सटीक आंसर ऑप्शन बी मन रहा। क्लीयर बुझी हो? नेक्स्ट शोई पड़े कि ना ढोलाऊँ सारे जमी ट्यूशन कहते शोई पड़े कि हाउ। नेक्स्ट मेहनत एवं कर दिंतु शोवा समय आगू निश्चित आपको मिल। द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय जहाँ आपको कहुए ओसीआई parity with the non-resident Indians in respect of 3 of the following fields, which is the other field। एटा मु आपन को कहिले ओसीआई आपनकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रे जो नियम करा हितला तार एक्चुअली सटीक आंसर आपन एटी पाई परिबे ऑप्शन ए एक्यूजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। सेटा आपनकर ए सुविधा नाही जोडे कि आपनकर नॉन रेसिडेंट इंडियन कोन बुझुचंदे ना नाही, जो माने इंडिया रो रेसिडेंट किंतु धरंतु अमेरिका रे जण जाई रहउछ सेटा को कहुए नॉन रेसिडेंट इंडियन। जदि से माने भी नियम अनुसार जदि 183 डेज रु अधिक रोचंती प्राय मु जहा जानी कहूँ आपण मानू भूल थिले मते जणैबे 183 डे रु अधिक रहिले से माने सेठी आपण माने चाहिले तांको भी आपण अप्लाई करि परिबे कोन पई सिटीजनशिप पई। आउ हमरो एठू तांकर जदि सेठी आपण अप्लाई करूचंती आम भारत रे कोन नाही सिस्टम दुई जगार आपण कौन हो पारे आपणकर सिटीजेन नागरिकता पाइपर ना। यहाँ आम भारत संविधान नियम तेणु जहाँ हम एठू गले से कटिले ये पाइबे मन रहा। ये जो विभिन्न जिनस अच्छी चलो तार क्वेश्चन नंबर 12 भल लगुच। तो क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड लिंग्विस्टिक बेसिस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमिशन हेडेड बाय श्री फजर अली। यार अर्थ है भाषा को लेकिन गोटे राज्य आपंकर फास्ट रेकग्नाइज कराइला सर। सठिक आंसर आपन कहि आंध्र प्रदेश होता। कौ भाषा को नहीं कहले तांकर जो माने लोक तेलुगु कहते तेलुगु स्पीकिंग को लेकिन 1953 मसीह यहाँ कराइला मन रहा। क्लीयर तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो आर्टिकल पिला माने रिक्वेस्ट करिबे टिके केतले समय पाइले गोटे खातार सब आर्टिकल को लेखि टिके इंपोर्टाट गुड़ाक देखुए जो भाई धरतु जमी सब एग्जाम आसला भाया जोटा आसी यहीटा ही फायदा पूर्व वर्ष क्वेश्चन को मुझे जिके कहीं आनी ये क्वेश्चन गोटे खातार डेली टिके नजर पकातु है निश्चित आपण मैंने करेंगे। मुझको बाट बताऊँ आप खाली चलतु टीचर राम कौन जानी ना टीचर आपण को डोर खोलीदेव भितर को पशे किए आपण सत कथा कह खोला कथा है। तेणु आपड़ टे मेहनत करूँ मो हिसाब से आपन को जोगे। देखो 13 नंबर सी है आपर आंसर हम ये जो ऑप्शन 3 रिवाइजरी जुडिशियन या माने कौन रिवाइजरी जुडिशियन टे बुझे दूसरी मानि नियंतु सुप्रीम कोर्ट गोटे कौन अल कौन जिनस आपन को कौटे गोटे मिस्टेक है। सुप्रीम कोर्ट हेज पावर तार पावर अच्छी टू रिव्यू एनी जजमेंट ओ रिव्यू करने माने से ना दिखाई रिवाइजरी जुडिशियल माने किसी चेंजेस करने सुप्रीम कोर्ट रो आर्टिकल 137 अंडर रे जाउछ। ओके बुझीला। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 14 रिसेंटली इंडिया हैज ऑप्टेड आउट आरसीईपी। व्हाट इज आरसीईपी? ओके ये रिसेंटली कथा भूली जातु कारण हेतले तो 2017 एटा करंट अफेयर आस्थिला किंतु आरसीईपी कोन सेटा मन रखितानु केले भी पचारि पारे बेले बेले। आरसीईपी रो फुल फॉर्म हला ऑप्शन 3 रे आपण पाई परिवे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी ये कोन ये गोटे होता कौन ये गोटे प्रपोज्ड होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ 16 नेशन 16टा नेशन को लेकिन गोटे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता मन रहा सब टिके मुझे आइडिया देवाई चेष्टा करी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने इंडियार क्यों इनिशिएटिव नियाई इन्वेस्ट मान को अट्रैक्ट करने सारा ग्लोबल रे आप जानते हैं ना है मेक इन इंडिया ऑप्शन 3 ले अच्छी मेक इन इंडिया किंतु ये प्रश्न मुझे पचारि मेक इन इंडिया केबे लॉन्च होता किए कहीपर मेक इन इंडिया केबे लॉन्च होता 2014 बोधे ना 2014 मेक इन इंडिया लॉन्च कराइला क्लीयर मन रहा। क्वेश्चन नंबर आपंकर 16 Which of the following is not an activity carried out by the NAFED? NAFED द्वारा ये कौन सी कार्य carried out नुहे NAFED आगे कहतु मत NAFED कौन आपड़ जब कह NAFED कौन ये NAFED फुल फॉर्म भी कम लगे एन रहा नेशनल ए रहा एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जानीगले तामाने ये कौन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ले यार को काम नुहे एटा सठिक आंसर हम इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर बफर स्टॉकिंग एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एटा तार काम नुहे आउ तार सब काम। ओके नेक्स्ट जा 17 इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बढ़िया प्रश्नटे भारत निजे सेल्फ सफिशिएंट अछि केउ प्रोडक्शन ले सठिक आंसर आपण मानकर हला ऑप्शन 3 जोटा सी आपन बोली कोइ परिबे ऑप्शन 3 मिल्क खीर रे भारत रो प्रोडक्शन आपन कर कमोडिटीज ऊपर सेल्फ सफिशिएंट। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर आपन कर अछि 18 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडिया इज द परसेंटेज शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इज द हाईएस्ट केउ थी रे इंडिया रो कोऑपरेटिव सेक्टर रो परसेंटेज ता आपन कर शेयर हाईएस्ट रहउची सठिक आंसर आपन माने पाई परिबे ऑप्शन डी सुगर प्रोडक्शन देखुछन्ती बढ़िया बढ़िया जीके स्टैटिस्टिक्स जीके आपन निश्चित काम रे लागिवो सुगर प्रोडक्शन। तापर जेबा 19 क्वेश्चन भलो लागु जे ना नाही कोंतु नेक्स्ट विथ व्हिच कंट्री हैज इंडिया साइंड द करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट ऑफ लेट करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट कहा संगे साइन हे जे आपन माने जानिथिबे एटा पाकिस्तान संगे हेतला ऑप्शन डी पाकिस्तान। ओके 20 How many MOU were signed between India and Germany during the recent visit of German Chancellor किए Angela Merkel आपण मान सठिक आंसर हम से 17टी MOU साइन करके जाइछन का संगे इंडिया संगे जर्मनी लो जे आसीथिले चांसेलर किए Angela Merkel। ओके करेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज बीन ए मेजर इश्यू बिटवीन इंडिया एंड मालयेशिया एटा तो आपण न्यूज रे बहुत सुनिथिबे ए जो इश्यू हेतला कोन काहा ऊपर नेकी इश्यू हेतला सटिक आंसर हला आपण मानकर ऑप्शन ए पाम ऑयल को नेकी एटा हेतला जेहेतु मालयेशिया रो आपणकर सेटा कारोबार चले त ताको भितरे कंट्रोवर्सी हेतला। ओके नेक्स्ट जिबा 22 क्वेश्चन नंबर आपण मानकर जीके जोठू जेतोले पाउचंती किछि नुवा पुरुणा देखंतुनी जीके सबु बेले इतिहासटा सबु बेले आपण जहांगीर जो युद्ध करते हलदीघाट युद्ध केवेला से कौन बदली जीव कि मत कहले बदली जीव ना तो जीकेटा स्टाटिस्टिक्स केवल चेंजेस हुए कहू गले करंट अफेयर से आपन को तो मु करंट अफेयर्स वीडियो दौची प्रत्येक मास वाइज करंट अफेयर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताकू भी दौची तापर भी कहि केवल मोर नुहे आपन टिके डेली न्यूज पढ़िया चेष्टा करूँ एबे तो ऑनलाइन आपन बहुत एप्लिकेशन मोबाइल रे भी डाउनलोड करिकि आपन देखि परिबे। ओके बहुत जिंस जेमिति पिला माने समस्त पढुचंती डेली करंट अफेयर अपडेट रुंतु डेली आज घटना कौन है कौ कौ नुआ स्कीम लॉन्च होई जीके पढ़ंतु कौन स्कीम लॉन्च होती आज नुआ नुआ कौ राज्य कौन नुआ लॉन्च कले यही रिसेंट ओडिशा 3 जन हाईकोर्ट रे आपन देखिथिबे विचारपति शपथ ग्रहण कले ताको नाटे मन रखिबे न्यूज देखंतु बस निश्चित पाठटा को तरीका पढ़ंतु मु अछि आपन सहाय्य करी देखंतु। 22 इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स फॉर इंडस वाटर ट्रीटी IWT ये कौन एक्चुअली कहले एटा इंडिया पाकिस्तान भितरे 1960 रे गोटे साइन हेतला 1960 रे गोटे साइन हेतला का भितरे इंडिया और पाकिस्तान भितरे ता ना हला IWT एटा केम केम जदी आपण कहबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर सटिक आंसर आपण पाई परिबे ऑप्शन 3 एटा आपनकर रवि सतलेज बीज मन रहा क्लियर ऑप्शन 3 ले आपण पाई परिबे। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 23 तो आपणकर रिजनिंग मैथ अच्छी छाड़ू आम स्कीप करवा कारण मुझे आम आज स्टाटिस्टिक्स जीके ही पढ़ा मु यार PDF आपको टेलीग्राम में देदेवी आपर दरकार है से आप कम लगे पारे। ओके कौन असुविधा आपको लगभग। नेक्स्ट स्टाटिस्टिक्स जीके जो आम से हिं देखा ओके 68 ये आसगला 68 देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे इज बीइंग ऑब्जर्व एज सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे को कौन बोली पालन करा जाए मन रखिथे ऑप्शन आंसर हम 4th नेशनल यूनिटी डे केबे पालन करा जाए जदि प्रश्न आसे अक्टोबर 31 मन रखिथे नेशनल ता माने जानि गले जे नेशनल यूनिटी डे अक्टोबर 31 ये भी प्रश्न आपण पाई गले भल लागिला। नेक्स्ट जीवा हु हैज बिकम द लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ऑफ लद्दाख द न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटोरी ये सेत बेले का कथा आसी जदि कहे आपणकर से तो जानी थे बर्तमान सुधा मुझे पूरा डिटेल्स करेबी एनसर तो मिल श्री राधाकृष्ण माथुर जोटा कि आप ऑप्शन 4 रे अच्छी कि बाबद कह जो लद्दाख और जम्मू काश्मीर भितर आप जानी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर आप रोचे जम्मूर प्रथम किए होते जम्मूर प्रथम होते गिरीश चंद्र मुर्मू ये थे जम्मूर प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आ बर्तमान किए अच्छा जम्मूर जम्मू काश्मीर आप जो जब कहे किए अच्छा बर्तमान प्रथम मनोज सिन्हा किए अच्छा मनोज सिन्हा मन रहा दी जन ना जम्मू काश्मीर कथा आप क्लीयर एवं जी लद्दाख सी हिं प्रथम थिले किए आर के माथुर जहाँ राधाकृष्ण माथुर सी हिं अच्छा मन रहा। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव साइंड द स्टेटमेंट टू इंटेंट टू रोल आउट बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया क्यों कंपनी संग रही ऑप्शन ए गूगल मन रहा ऑप्शन 1 आपरे गूगल तापर जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स द इंडियन वोमेन्स हॉकी स्क्वाड स्कोर द वाइटल गोल हैज लेड द इंडियन वोमेन्स टीम फॉर द क्वालिफाई टोक्यो हॉकी ओलंपिक्स एटा आपनकर किए सटीक आंसर आपण माने पाई परिवे जो हॉकी ओलंपिक्स रे जदी एठी सटीक आंसर आपण देखिबे ऑप्शन अछि शर्मिला देवी सॉरी सॉरी ऑप्शन आपण को नाही शर्मिला देवी होबनी रुंतु ऑप्शन मार्क करिबा ऑप्शन सी सॉरी रानी रंपाल ओके सटीक आंसर आपण किए महिला ना रानी रंपाल आ पारा ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स पिला माने मुहरे ना मेडल को कंट्री पूरा मु वीडियो देइची आपण मानकू टोटली बदमाशी नहीं पाठ सीरियसली पढ़ंतु नहले टोटली कॉम्पिटिटिव दियंतुनी सतरे कहूची पाठ पढ़िबे मन देई पढ़ंतु बस आपनको पई बापा मां बहुत लोक आपनको पूरा अनेक अछंती तांकू थरे अनंतु आ किछि नु 72 द स्टैंडर्ड हरप्पा सील वाज मेडअप एटा कौधरे तैयारी ऑप्शन एटी देखिले ब्रोंज अछि तापर सेठी देखियो ऑप्शन आउ कोन अछि आ ब्रोंज गोल्ड लाइमस्टोन आउ रहला स्टीटाइट कोन एटा आपण देखंतु सटीक आंसर त आपण मन देखे देबी ऑप्शन आपण पाई परिवे 4 ऑप्शन 4 स्टीटाइट बुझियला। नेक्स्ट 73 व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इन द अर्ली वेदिक पीरियड स्टेपल फूड माने जोटा को डेली खाते स्टेपल फूड जमी आमर ओडिया मानकर विशेषकर भात राइस से भाया स्टेपल फूड जोटा डेली आमर प्रिय खाद्य ये अर्ली वेदिक पीरियड रे स्टेपल फूड कहले सटीक आंसर आप बार्ली कौटा था बार्ली मन रखिथे एबे आसीगला बोध हिस्ट्री आड़ कथा हाँ हिस्ट्री ए आसीगला मन रखु पिला माने भूल करेनि हिस्ट्री आसीगला व्हिच अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता डिनास्टी माने गुप्ता वंशर हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन टी आपण बहुत थोड़ा प्रश्न आसी नेपोलियन ऑफ इंडिया पुणी क्या द्वारा देखो किए कही आप पाईगले वीएस स्मिथ सी कही नेपोलियन ऑफ इंडिया क्या कही सटीक आंसर है समुद्रगुप्त क्या कही समुद्रगुप्त को कहुए नेपोलियन ऑफ इंडिया भारत नेपोलियन मन रहा। क्वेश्चन नंबर 75 यही इतिहास कहले आप जेको एग्जाम कौन चेंज हम कि ना तो किंतु किसी पिला मत कहे सर आप पुराना क्वेश्चन कहीं कराऊँ बुझे नहीं आउ बुझे ना मु कौन आप खराब चिंता करुँ बुझुना देखो 75 एटारे मैच करिया को डिनास्टी देइची एवं तांकर राजा देइची ओके आमे मैच करिबा किए को राजा क्यों वंशरू बिलोंग्स करूथले टिके नजर करंतु माने एइवला प्रश्न पडिले आपण देखिले ये गोटे इमिति प्रश्न एटी केतुडा जिके आपण मन रखियो पड़िबो चारिटा जिके मन रखिदिले आपण करि परिबे हां ना नाही ए प्रश्न भाबुथिबे देखा जाउची सहज किंतु भारी कन्फ्यूजिंग लागे ठीक ना नाही पिला कहले 75 देखो आपणकर अछि सिसुंगा डिनास्टी नंद डिनास्टी मौर्य डिनास्टी हरेन्यक डिनास्टी ओके या दूर सठिक आंसर तो आपण मानू कहबी ऑप्शन ए ऑप्शन जो सॉरी कॉलम ए टा आपण मानकर कॉलम ए लागिबो कलाशोक ओके आउ नंद वंश आपण मानकर लागिबो नंद वंश लागिले नंद वंश किए महापद्म नंद वंश ओके मौर्य वंश कहले आपण मानकर मौर्य वंश लागिबो बिंदुसार मौर्य वंश आपणकर लास्ट जदि ये रहिले किए ये हेले अजातशत्रु हिरण्यकशिपु अजातशत्रु मन रहा तेणु प्रथम आउे कहीदेवी ए तीन आपणकर बी भी पाँच भि आ सी रहा दुई डी रहा एक तेणु सठिक आंसर आपड़ा कौटी अच्छे देखिले ये जो आंसरटा आपली ये ऑप्शन कौटी अच्छी ऑप्शन दुई रे अच्छी ए तीन एटी अच्छे ऑप्शन दुई ए तीन बी पाँच सी दुई आपणकर डी एक मन रहा से जो जिन मार्क कर रखत हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कलिंग बिलोंग्स टू ए डिनास्टी डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री तार चारिज राजा भर ना रु किए कलिंग रोटे वंशर बिलोंग्स करुँच आउ जड़े अलग ये आपको भल ये गोटे देखो चारिटा प्रश्न भल भाव मन रखु हिस्ट्रीर टी अवश्य ये आपंकर एक्जाम एएसओ एक्जाम सब भल कम दब टे टप लेवल रुँच जदि आप ओ ट्रिपल एससी एआरआई अमीन स्टाटिस्टिकल फील्ड सर्वर दूसरे ये आसो छोट छोट टी आस कोई ये प्रश्न किंतु टिके कम लेवल ओके देखो 76 किंतु एटा जानी दरकार सब जाना दरकार 76 आंसर आपको कह आंसर तो कहीदेवी ऑप्शन 3 कपिलेन्द्र देव किंतु कहीं कपिलेन्द्र देव मुझे कहली से मन दे बुझंतु आपणकर कपिलेन्द्र देव हेले गजपति वंश ओके किंतु आउ समस्ते अनंग भीम देव अनंत बर्मन चोड़गंग देव आउ रहा नरसिंह देव ये सब हेले गंग वंश मन रहा जानी पहले जिनसटा कौन तीन जन गंग वंश जड़े अलग नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन जहांगीर्स कोड हैड ट्रांसलेटेड द उपनिषद एंड भगवत गीता एटा आपणकर द्वारा ऑप्शन 1 द्वारा नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग मराठा रूलर्स वाज बेटर नोन एज साहू आ साहू कहले पिला जानथिबे फिल्म ना सारे हमें जानिनु हो एटे आंसर कोन बदमाशी करंतु सब आंसर कोन हबो सटिक आंसर सटिक आंसर मुझा भावुची ऑप्शन 3 द्वितीय शिवाजी शिवाजी टू को मुख्यतः प्रसिद्ध से कौ नाम साहू नाम जनाशुना हाँ ना नाई मजार मजार जिके पढ़ू निश्चित मन रनतु मो कथा 79 व्हिच राजपूत किंग हैड कंस्ट्रक्टेड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट दिल्ली जयपुर एंड उजान किए बनई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पर्यवेक्षण किए बनई सटिक आंसर आपने ऑप्शन डी माने 4 नंबर रे जयसिंह स्वाई जयसिंह मन रहा क्वेश्चन नंबर जीवा 80 क्वेश्चन नंबर 80 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्टेड बाय द इंग्लिश इन इंडिया ओके क्यों प्रथम फोर्ट्रेस जो कि इंग्लिश को द्वारा या भारत में सठिक आंसर ये आप निश्चित जानते हैं यहाँ फोर्ट स्टीफेन जॉर्ज ऑप्शन ए फोर्ट स्टीफेन जॉर्ज नेक्स्ट जीवा ये आंसर 1 है व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कंक्लूडेड दैट a treaty of amritsar with maharaja ranjit singh in 1809 सटिक आंसर आपन पाई परिबे ऑप्शन एटी किए करथिले 1809 जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर रे आपन मानकर ऑप्शन 3 लॉर्ड मिंटो किए करथिले लॉर्ड मिंटो मन रहला नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंट अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वार वाज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइंड हेतिला आपन मानकर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन होता है क्यों युद्ध में सटिक आंसर आपरे ऑप्शन 3 थर्ड आंग्लो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध मन रहा भल भल इतिहास प्रश्न अच्छे आपंटे होयर डिड राणी लक्ष्मी बाई ब्रीथ हार लास्ट व्हाइल फाइटिंग विद ब्रिटिश फोर्सेस क्योंठारे शेष निश्वास त्याग करते आप सटिक आंसर हम ऑप्शन 1 ग्वालियर ओके ग्वालियर में आपंकर राणी लक्ष्मी बाई ब्रिटिश संगे आपंकर युद्ध कला बेले शेष ब्रीथ थी मन रहा नेक्स्ट Where did Mofla Rebellion take place in 1921 1921 रे क्योंठारे मोफला रिवेलियन होइतिला सटिक आंसर आपण मन पाई परिबे ऑप्शन 4 द मालवार कोस्ट क्यों होइतिला द मालवार कोस्ट ओडिशा बिकम सेपरेट इन 1936 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट देखो ओडिशा जे के भी भलो भलो आसी छी सटिक आंसर आपण मन पाई परिबे ऑप्शन 3 सर जॉन ऑस्टिन हवक आपण मानक बारंबार कहूँ ओडिशार जदि संपूर्ण जिके पाइबा चाहते चैनल टी सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट रे आपण पाई परिबे बहुत पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारे बहुत भल भल क्वेश्चन पाई परिबे 85 आंसर है ऑप्शन 3 86 मैच द फॉलोइंग माउंटेन को कौडार करवा कंट्रीज ओके माउंटेन को कंट्रीज ये भी आपंकर 5टा जिके पाइबे कौन कौन माउंटेन ये तो आप जानी आटलास ताइनसान जाग्रोज आपालाचियंस ये जो आपालाचियंस ये जो क्योंठारे अवस्थित तो मुझे मार्क करके कहीदेवी सटिक आंसर आप देखु प्रथम ये ऑप्शन देखिले रुहतु मुझे जूम कम देखे दूसरी ऑप्शन ये देखो सटिक आंसर आपरे ऑप्शन 4 कहीं 4 कहली ए आपणकर VI रे रहिबो भलो भाबे देखंतु काहे की रहउची त माने ए जीकेटा को निजे मार्क करिवे एटा आपणकर VI त माने द अप्लाचियंस ता आपणकर रहला युनाइटेड स्टेट रे द अटलास माउंटेन ता आपण मानकर रहला ईरान ले सॉरी आपणकर मर्को 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 रे रहला ओके आउ पाइरेन्स पाइरेन्स ता आपणकर रहला स्पेन रे आउ आपणकर डी रहला 1 ले माने द ताइनसान काजाकिस्तान ले आउ ई रोइला आपनकर 2 द जागरोज ई रोइला ईरान ले मन रोइला सटिक आंसर आपन मानको कोन कहली ऑप्शन 4 ही आपनकर रोइबो सटिक आंसर जोटा को आपन ऑप्शन 4 बोली कहिबे मन रोइला। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन द साउदर्न अटलांटिक ओशियन ले देखा दाउतुवा आपनकर आइलैंड कथा पचारिछ सटिक आंसर आपन मन जल्दी जल्दी कोंतु सटिक आंसर आपन मानकर ऑप्शन 2 फॉकलैंड कोन कह जेताको ऑप्शन 2 रे फॉकलैंड एटा हला आपन सटिक आंसर। नेक्स्ट जीवा बुझी होउची तो भलो लागुची व्हिच सिटी टू लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस एज ए कूल क्लाइमेट केउ शहर रे एटा सॉरी एटा प्रोनाउंसिएशन भूल करथिली ओके व्हिच सिटी आपनकर लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस ए कूल क्लाइमेट केउ जगह रे आपण केउ शहर रे पाई परिबे सटिक आंसर आपण माने पाई परिबे ऑप्शन 3 रे नाइरोबी कोटार पाई परिबे नाइरोबी एटा दो बोली पडिबे ओके। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आपनकर पचारछि स्मॉलेस्ट इन एरिया आपनकर स्मॉलेस्ट इन साइज साइज रे के सटिक आंसर आपनकर हला ऑप्शन 1 गोवा आपण एटा जानि दिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा थ्री ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आइडेंटिफाई द अदर वन ए माने भितरु अलगा के सटिक आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रे समस्त क्लोज थिला बेले अलगा हबो आपनकर ऑप्शन 4 नागपुर ओके ऑप्शन 4 नागपुर। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर आपनकर 91 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स विल यू नोटिस द माउंटेन पासेस इन द वेस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गला पर सटिक आंसर आपण मन देखि परिबे आपण मनकर हबो ऑप्शन 3 जोडे कि आपण मनकर ऑप्शन 3 जोडे कि कोन थालघाट भोरघाट एंड कोरलाघाट एंड पालघाट इटा आपनकर ठीक ऑर्डर रे रहइबो मन रहइला आपण मनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 92 92 रे कोन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड एसोसिएटेड वाटरफॉल इज इनकरेक्टली मैच्ड ए माने भितरे इनकरेक्टली मैच हेतिबो वाटरफॉल एवं रिवर जोटा जोडी हेतिबो सटिक आंसर आपण मन पाई परिबे ऑप्शन 4 द तुंगभद्रा इ जो लिखाई छि होंगेनाकाल ये भूल हेछि तुंगभद्राटा आपण मानकर होंगेनिकाल हला वाटरफॉल ना तार नदी एक्चुअली काहा ऊपर कहले कावेरी एटा भूल हेछि सेति पय आउ ये सब ठीक अछि मन ला ये सब ठीक तिला बेले एटा आपनकर भूलेला सटिक आंसर आपण पाई परिबे ऑप्शन 4 92। Next 93 which of the following lakes is situated in the city of Udaipur in Rajasthan राजस्थान ले उदयपुर रे आपनकर कोन हबो सटिक आंसर ऑप्शन हला पिचोला ऑप्शन 2 रे पाई परिबे पिचोला। नेक्स्ट आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इन इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स राविनेस आपनकर राविन्स कोइले फेमस वेल नोन पई रिवर वैली रे कोटा सटिक आंसर आपण माने पाई परिबे ऑप्शन 2 द चंबल चंबल आपनकर आंसर हबो। नेक्स्ट दिबा 95 व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा जोडे कि आपण बाजरा रे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किए केउ राज्य आपणकर सटिक आंसर हला राजस्थान ऑप्शन 3 ले आपण माने पाइबे राजस्थान हला बाजरा रे अधिका प्रोड्यूसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैरेज इन ओडिसा इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट आपणकर सेतबळे एटा कंस्ट्रक्शन चालितला सटिक आंसर आदि पाइबे सेतबळे एटा गोटे करंट अफेयर पचारतिला आनंदपुर ऑन द बैतरणी रिवर मु आपण मानकू ओडिसा रा समस्त नदी उपरे थिबा डैम बाबद रे जिके देई देइछि आपण मन निश्चित देखि परिबे। नेक्स्ट टू व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन ओडिसा डज द चंदगा फॉरेस्ट बिलोंग आपण मन को चंदगा रो जते वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नेशनल पार्क तारो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड हेई सरछि आपण थरे जे कि जिके प्लेस से चेक करंतु एडी सटिक आंसर आपण पाई परिबे ऑप्शन 4 ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ओके। नेक्स्ट दिबा आपण मानकर which is the largest completed hydroelectricity project in India completed hydroelectricity project सटिक आंसर आपण पाई परिबे ऑप्शन 1 कोयना ओके। नेक्स्ट जिबा 3 ऑफ द फॉलोइंग माइनिंग बेल्ट्स इन द इंडिया प्रोड्यूस कॉपर आइडेंटिफाई द अदर बेल्ट्स सटिक आंसर आपण मानकर रहइबो ऑप्शन 3 नेलोर आंध्र प्रदेश माइनिंग ओदरे को माइनिंग रे प्रोड्यूस कॉपर ओके। नेक्स्ट हला आपण मानक पई which of the following is the largest tribal group in India आपणकर भारत में ट्राइबल ग्रुप कहले आपणकर आदिवासी संप्रदाय लार्जेस्ट क्यों ग्रुप देखा जाती सठिक आंसर आपरे ऑप्शन वन भिल्स मन रहा। ये थिला आपण मानकर पूर्व वर्षर सब किसी जीके प्रश्न जदि ये आपको सतरे भल लगी निश्चित लाइक शेयर करने को भूलें एपर्तंत भी जब चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट समस्त जीके वीडियो को आप देखु करेन्ट अफेयर देखु निश्चित आपड़ क्लीयर करेंगे। समस्त धन्यवाद वीडियो टी शेष पर्यटन देखी ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू।